चाचा चौधरी दिवाली के दिन अंतरिक्ष में। दिवाली वाले दिन चाचा चौधरी इत्मीनान से मिठाई खा रहे थे। अरे चौधरी, साबू कहाँ है? आज मैं मुकाबले के लिए आया हूँ। आपकी तारीफ। मुझे फटिंडा राम आतिशबाज कहते हैं। भाई, बटेर बाज और कबूतर बाज तो बहुत सुने थे, पर यह आतिशबाज क्या बला है? लीजिए मिठाई खाइए। नहीं, रहने दो। पटाखे चलाने में मैं सबको हराकर आतिशबाजी का चैंपियन बन गया हूँ, इसलिए लोगों ने मुझे आतिशबाज का खिताब दिया है। आज मैं साबू से मुकाबला करने आया हूँ। देखो, साबू उल्टे दिमाग का आदमी है, उससे तुम टक्कर ना लो तो अच्छा है। तुमने अभी मेरे एटम बम नहीं देखे, तभी यह कह रहे हो। देखो, मैं अपने एक एटम बम को आग लगा रहा हूँ। आग लगाने के बाद उस पर एक डिब्बा रख दिया, और धमाका होते ही डिब्बा आकाश में ऊंचा उछल जाता है। देखा वह डिब्बा कितना ऊंचा गया। तभी साबू वहाँ आता है। लो, वह साबू आ गया। चाचा जी, सारे बाजार में मेरे साइज की आतिशबाजी नहीं मिली, इसलिए मैंने खुद ही कुछ बम पटाखे बनाए हैं। साबू, आज दिवाली है, पटाखों का मुकाबला करेगा? हो जाए। एटम बम को आग लगाकर उसके ऊपर डिब्बा रखना है, जिसका डब्बा ज्यादा ऊपर जाएगा वही जीता। ठीक है। आतिशबाज शुरुआत करता है। लो, पहले मैं अपने बम को आग लगाता हूँ। ऊपर से डिब्बा भी रख दिया। धमाका होते ही डिब्बा आकाश में ऊंचा चला जाता है। साबू, मेरे पटाखे के ऊपर डिब्बा आएगा नहीं, इसलिए अगर मैं उस पर ये तारकोल का खाली ड्रम रख लूं तो कोई एतराज तो नहीं? हरगिज नहीं। यह लंबो सचमुच गधा है, भारी होने की वजह से ड्रम जमीन से हिलेगा ही नहीं। साबू अपने बम को आग लगाता है और ड्रम उसके ऊपर रख देता है। लो, मैंने उस पर ड्रम रख दिया। कुछ देर बाद, टाए टाए फिश, तुम्हारा पटाखा चला ही नहीं। आतिशबाज दौड़कर ड्रम के ऊपर बैठ जाता है। हुर्रे, मैं जीत गया, मैं जीत। तभी बम में जबरदस्त धमाका होता है और ड्रम समेत आतिशबाज हवा में उड़ जाता है। जब वह इतनी ऊंचाई से गिरेगा तो उसकी हड्डियों का सुरमा बन जाएगा। वह नीचे नहीं गिरेगा चाचा जी, क्योंकि वह अंतरिक्ष में जाकर पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। इधर भटिंडा राम आतिशबाज आकाश में। बाप रे, वो पटाखा था या हाइड्रोजन बम? साबू के बम पटाखे से भटिंडा राम अंतरिक्ष में जाकर पृथ्वी के चक्कर काटने लगा। उधर पृथ्वी पर भटिंडा राम को वापस लाने के लिए मुझे अंतरिक्ष में जाना पड़ेगा, लेकिन समस्या ये है कि वहां जाऊं कैसे? मेरे एक बम पटाखे ने भटिंडा राम को अंतरिक्ष में पहुंचा दिया, दूसरा बम पटाखा आपको भी वहां पहुंचा देगा। अरे मूर्ख, मैं वहां पहुंच तो जाऊंगा, लेकिन पृथ्वी पर लौटूंगा कैसे? इसके लिए हमें अमेरिका सरकार की मदद लेनी पड़ेगी। चाचा चौधरी और साबू अमेरिकन सरकार के रॉकेट पर सवार होते हैं। रॉकेट चाचा चौधरी और साबू को लिए अंतरिक्ष की ओर छूटता है। अंतरिक्ष में। चाचा जी, यह तो कुछ दिखाई नहीं देता। अरे, इतने बड़े अंतरिक्ष में कोई चीज ढूंढना आसान थोड़े ही है, पता नहीं वह बेचारा कहाँ होगा। तभी, साबू, वह देखो, जल्दी से रस्सी का इंतजाम करो। कमर से रस्सी बांधकर चाचा चौधरी अंतरिक्ष में कूद पड़ता है। जब मैं कहूँ रस्सी खींच लेना, चाचा चौधरी भटिंडा राम को पकड़ लेते हैं। आहा, पकड़ लिया।
आप, मैं तो समझा था कि अब सारी उम्र पृथ्वी के चक्कर ही काटता रहूंगा। साबू खींचो। यह लो। साबू रस्सी को खींचने लगता है, तभी रस्सी टूट जाती है। अरे रस्सी टूट गई। चाचा चौधरी और भटिंडा राम अंतरिक्ष में एक तरफ को बढ़ने लगते हैं। चाचा जी, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या पता, अंतरिक्ष असीम है। इधर साबू, अब मुझे जाना पड़ेगा। साबू ने रस्सी का एक सिरा अपनी कमर से बांधा और दूसरा रॉकेट के साथ, और अंतरिक्ष में कूद गया। जय बजरंग बली। कुछ ही देर में, पकड़ लिया, आओ वापस रॉकेट में चलें। रॉकेट तीनों को लिए पृथ्वी की ओर चल दिया और हिंद महासागर में जा गिरा। अब तैर कर किनारे तक पहुंचने में देर नहीं। चाचा चौधरी और एटम बम की सेंचुरी। एक दिन एक जगह पर, मिस्टर एटम बम, तुम 99 आदमियों को मार चुके हो, क्या एक और को नहीं खत्म कर सकते? मैं सेंचुरी पूरी करने को उतावला हूँ। खूब एटम बम, हमारा जितना भी स्मगलिंग का माल आता है, एक आदमी उसे पकड़वा देता है। तुम इस कांटे को हमारे रास्ते से निकाल दो। उसका नाम चाचा चौधरी। बस समझो आपका काम हो गया मिस्टर लंपट। अबे बच गए। वह आदमी कुछ गड्डियां एटम बम की ओर उछाल देता है। यह लो 50,000, बाकी काम होने के बाद। मिस्टर लंपट, मेरे हाथों से मरने वाले 100वें आदमी की शक्ल दिखा दो। चलो। उधर चाचा चौधरी, हाँ दीपक, अब लोहे का गोला फेंकने की तुम्हारी बारी है। दीपक गोले को फेंकता है। कोई ज्यादा दूर नहीं गया। चाचा चौधरी गोले को हाथ में उठाते हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ कि गोला कैसे फेंका जाता है। इधर मिस्टर लंपट और एटम बम। एटम बम, वह रहा चाचा चौधरी, लेकिन वह लोहे का गोला कहीं तुम्हें ना मारे। मैं वह गोला पहले अपने कब्जे में करता हूँ। चाचा चौधरी और एटम बम, ये गोला इधर दो। अब बताओ तुम कैसे मरना पसंद करोगे? जल्दी बताओ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अरे मत ले पंगा। इस गोले को ऊपर आसमान में फेंको। जैसे ही वह जमीन पर गिरे, गोली चला दो। खूब, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इतना कहकर एटम बम लोहे का गोला हवा में उछाल देता है। लो, ये तो गया काम से। हवा में उछाला हुआ गोला वापस नीचे एटम बम की ओर आता है और सीधा उसकी खोपड़ी बजाकर रख देता है। ओह, इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। हैं? चाचा चौधरी चोर और कांस्टेबल बारो। एक दिन रास्ते में, साबू एक चोर भाग गया है, क्या इस शक्ल का आदमी तुमने इधर कहीं देखा है? नहीं कांस्टेबल बारो। धन्यवाद पहलवान, तुम्हारा चौड़ा जिस्म एक आदमी को छुपाने के लिए उपयुक्त है। ये तो वही चोर है। अब तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। साबू, जानते हो एक चोर को छुपाना उतना ही जुर्म है जितना कि चोरी करना। मुझे ज्ञान नहीं था कि चोर मेरे पीछे छुपा है। मुझे एक मौका दो, मैं उसे पकड़कर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ठीक है। साबू चोर के पीछे जाता है। वह जा रहा है। चोर, ओह वह बड़ा आदमी मुझे पकड़ने आ रहा है। अगर चलती बस का हैंडल मेरे हाथ में आ जाए तो मैं बचकर निकल सकता हूँ। वो चोर हैंडल पकड़ लेता है
अब तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। वह बस सुपर फास्ट है, मुझे और तेज भागना होगा। आखिरकार साबू चोर को पकड़ लेता है। आ गया पकड़ में। देखा, लंबी टांगे भी चोर को पकड़ने में उपयोगी होती है। याद रखो, कानून के पंजे से कोई नहीं बच सकता। कांस्टेबल, अगर इजाजत हो तो मैं अपने घर में कह दूं कि मैं आज खाना बाहर खाऊंगा। अगर तुम फिर रफू चक्कर हो गए तो? नहीं, तुम दरवाजे पर पहरा देते रहो। कांस्टेबल दरवाजे पे खड़ा हो जाता है। अच्छा जाओ, जल्दी लौटना। तभी चाचा चौधरी वहां आते हैं। कांस्टेबल बारो, कैसे बैठे हो? चाचा चौधरी, मैं यहाँ पहरा दे रहा हूँ, मुजरिम मकान के अंदर गया है। तब तो पंछी उड़ गया समझो। क्या मतलब? मेरे साथ आओ, मतलब समझाता हूँ। जिसको तुम मकान समझे थे, वह फिल्म की शूटिंग के लिए लगाया गया सेट है। मेरी नौकरी गई समझो? हम तुम्हारी नौकरी नहीं जाने देंगे। देखो, रॉकेट जमीन सूंघकर पता लगा रहा है कि चोर किस तरफ गया है। तभी रॉकेट एक तरफ दौड़ लगा देता है। वह गया, रॉकेट और चोर। हैं? चोर दौड़ता हुआ वापस आता है। कांस्टेबल बारो, अपना चोर संभालो। अब तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। चाचा चौधरी और सॉफ्टी। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर, लो सॉफ्टी खाओ। वाह, मजा आ गया। चाचा जी, मेरी सॉफ्टी। ओह, वह तो मैं भूल ही गया। चाचा चौधरी रॉकेट के साथ चल देते हैं। ठहरो, मैं अभी लाता हूँ। सॉफ्टी पार्लर। अरे भाई, साबू के लिए एक स्पेशल सॉफ्टी देना। ये लो। चाचा चौधरी सॉफ्टी लेकर दौड़ लगा देते हैं। रॉकेट दौड़ो, इससे पहले कि यह पिघल जाए, हमें साबू के पास पहुंचना है। थोड़ी दूरी पर यह महिला सोने की चैन पहनकर जा रही है। अगर मैं यह छीन लूं तो काफी पैसों में बिक जाएगी। वो बदमाश महिला की चेन छीन लेता है। ओहो, पकड़ो, वह मेरी सोने की चेन लेकर भाग रहा है। चाचा चौधरी और बदमाश आमने सामने आ जाते हैं और होती है एक जबरदस्त टक्कर, जिससे सॉफ्टी उस बदमाश के सर पे जा गिरती है। ओह, बचाओ। साबू, मुझे अफसोस है, तुम्हारी सॉफ्टी गिर गई। फिक्र ना करो, तुमने मेरी सोने की चैन बचाई है, इसलिए मैं साबू को दूसरी सॉफ्टी ले दूंगी। चाचा चौधरी और बनवारी का पटाखा। दिवाली के दिन। अरे बनवारी, इतनी सारी आतिशबाजी, क्या दुकान खोलने का इरादा है? अरे नहीं, आज दिवाली है ना, सारे पटाखे खुद चलाऊंगा। इधर ला एक एटम बम, तुझे ऐसा नजारा दिखाऊं कि पहले कभी ना देखा हो। वह देखो, पहाड़ की चोटी पर चाचा चौधरी बैठा है। अगर यह एटम बम उसके ऊपर अचानक फटे तो वह ऊपर से लुढ़कता हुआ ऐसे नीचे आएगा जैसे कोई गेंद। वाह पनवाड़ी। दोनों पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं। दबे पांव आजा, कहीं चाचा चौधरी को आहट ना हो जाए। एक जगह रुककर, बस अब यहां से उस पर एटम बम फेंकना चाहिए।
वो एटम बम जलाकर चाचा चौधरी की तरफ उछाल देता है, लेकिन ओह निशाना चूक गया। अरे बनवारी भाग, बम लुढ़कता हुआ अपनी तरफ आ रहा है। बनवारी आज मरवा दिया तुमने। है बनवारी और पनवाड़ी आगे आगे और जलता हुआ बम उनके पीछे पीछे। बम एक उछाल भरता है और सीधा उनकी पटाखों के डब्बे में घुस जाता है। परिणाम स्वरूप जोरदार धमाके होने लगते हैं। आए उई। उई। पनवाड़ी यहाँ आसपास कोई डिस्पेंसरी है या नहीं? साबू। चाचा जी कहाँ से आ रहे हो? साबू आतिशबाजी का नजारा देखकर। चाचा चौधरी और धमाका सिंह का धमाका। डाकू गोबर सिंह। धमाका सिंह अब क्या लाए हो? सरदार ये है जापानी स्टेन गन, इससे तुम अपने दुश्मन चाचा चौधरी को मार सकते हो। पर चाचा चौधरी है कहाँ? वह रहा सामने की बिल्डिंग में 12वीं मंजिल पर। तुम यहीं स्टेन गन लिए खड़े रहो, मैं ऊपर जाकर चौधरी को इसी लिफ्ट से नीचे भेजता हूँ। जो ही वह यहाँ पहुँचे तुम उसे गोलियों से भून दो। ठीक है। और लिफ्ट जल्दी। 12वीं मंजिल पर धमाका सिंह लिफ्ट से उतर जाता है। चाचा जी लगता है तुम अपने आप को जल्दी ही स्वर्गवासी बनाना चाहते हो। वह कैसे? डॉक्टरों का कहना है कि जो लोग ऊंचाई पर रहते हैं उन्हें दिल की बीमारी जल्दी घेर लेती है। नीचे जाओ और लंबी उम्र जियो। तुम ठीक कहते हो। चाचा चौधरी लिफ्ट की ओर बढ़ जाते हैं। मैं इसी लिफ्ट से नीचे जाता हूँ। लिफ्ट चाचा चौधरी को लिए नीचे को चल दी। चलो चाचा चौधरी की तो हमेशा के लिए छुट्टी हुई। कार्टूनिस्ट प्राण को आप कोई नया फीचर बनाना चाहिए। नीचे डाकू गोबर सिंह स्टेन गन हाथ में लिए तैयार खड़ा होता है और लिफ्ट के रुकते ही इतनी गोलियां लगने पर कोई भी जिंदा नहीं बच सकता। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला। ओह ताऊ जी मैं 5वीं मंजिल से लिफ्ट पर बैठा था। और वह चाचा चौधरी? वह 4थी मंजिल पर उतर गया। आने दो धमाका सिंह को, अगर उसे धमाके से ना उड़ा दिया तो कहना। चाचा चौधरी साबू और फव्वारे। एक दिन साबू शहर से दूर खुले वातावरण में चला जाए, ये जगह अच्छी है, यहाँ चारों तरफ हरियाली है। तभी अचानक ओह ये क्या? मैं सुखिया हूँ, यहाँ से कुछ दूर रहता हूँ। यह जमीन ऐसी है कि किसी भी जगह से फव्वारा फूट निकलता है। दूसरे गांव में सूखा पड़ा है पर यहाँ पानी की कमी नहीं। जब जमीन से फव्वारा फूटने लगता है तो उसे क्यों नहीं बंद कर दिया जाता? अगर ऐसा किया तो पानी का बहाव दूसरी जगह से फूट निकलेगा। सुखिया देखो वहाँ फव्वारा फूटने वाला है, मैं उसे रोकता हूँ। साबू ने हाथ रख के फव्वारे का मुंह बंद कर दिया। मैंने उसे दबा दिया है और फव्वारा दूसरी जगह से फूट निकला। ओह
लंबू ने तमाशा देखा और चल दिया। उधर चाचा चौधरी के घर पर, बिन्नी मैं चलता हूँ। ये आदमी है या चलती चक्की, एक जगह चैन से नहीं बैठ सकता। गौन, एक आदमी आ रहा है। हॉन, उसके पास कुछ ना कुछ माल निकलेगा। जो कुछ तुम्हारी जेब में है हमारे हवाले कर दो। तभी साबू वहाँ आता है। ओह, वह कुंडे चाचा जी को पिस्तौल दिखा रहे हैं। साबू अपना हेड हवा में उछालता है, जो सीधा बदमाश के रिवॉल्वर वाले हाथ को ढांप लेता है। चाचा चौधरी का एक जबरदस्त घूसा। दोनों चोर भाग खड़े होते हैं। भागो। धन्यवाद साबू। चाचा चौधरी की ट्रिक। एक दिन शहर में घनघोर कंपनी को लूटकर डाकू भाग निकलते हैं। पकड़ो, डाकू 50,000 लूट कर ले गए। तभी चाचा चौधरी वहां से गुजरते हैं। क्या हुआ मुंशी राम? चाचा जी, डाकू कंपनी का 50,000 ले गए। मैं गरीब बर्बाद हो जाऊंगा। मैं कंपनी का खजांची हूँ, डाकू मुझसे पैसे छीन कर ले गए हैं। मेरी इतनी कम तनख्वाह है कि सारी उम्र में भी कंपनी का 50,000 नहीं चुका पाऊंगा। मुंशी राम, फिक्र मत कर, कंपनी का पैसा लौट आएगा। चाचा चौधरी साबू और रॉकेट को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। आओ साबू, देखें डाकू पैसा कहाँ ले गए हैं। उधर वो डाकू, मजा आ गया, ये हमारी सबसे कामयाब डकैती रही। लेकिन मैंने चाचा चौधरी को पीछे आते देखा था, उसका रॉकेट सूंघकर डाकुओं का पता लगा लेता है। तो अंदर से दरवाजा बंद कर दो। वह डाकू हाथ में गन लेकर खड़ा हो जाता है। इस झरोके से मैं उन्हें देखता हूँ। तभी उसे चाचा चौधरी नजर आते हैं। चाचा चौधरी, मुझे पता है कि तुम दीवार के पीछे छुपे हो, अगर तुम सामने आए तो गोलियों से भून दूंगा। इमारत के पिछली तरफ, साबू इस दीवार को तोड़ दो। साबू का एक जबरदस्त घूसा और दीवार धराशायी हो जाती है। हाय, चाचा चौधरी और साबू पीछे से आ गए। साबू उन दोनों ठगों को पकड़ लेता है। जब चाचा चौधरी वहां सामने है तो दीवार तोड़कर पीछे से कैसे आ गया? चार दीवारी के पीछे रॉकेट पगड़ी संभाले हुए खड़ा होता है। वह मैंने तुम्हें चकमा देने के लिए ट्रिक चली थी। हाय हाय। चाचा चौधरी और हलाकू। एक दिन शहर के एक कोने में, हलाकू इतनी लंबी तलवार? यह दुनिया की सबसे लंबी ही नहीं बल्कि सबसे तेज धार वाली तलवार भी है। यह हर चीज को काट सकती है, पत्थर को भी। देखो, हलाकू की तलवार इस मकान को खरबूजे की तरह काटती चली गई। लेकिन क्या ये चाचा चौधरी का सिर भी कलम कर सकती है? मजाक मत करो धमाका सिंह, अगर वह सिर लोहे या पत्थर का भी बना है तो भी इस तलवार के सामने चुनौती नहीं। और दोनों वहां से चल देते हैं। बस चाचा चौधरी को इस तलवार के वार की सीमा के अंदर होना चाहिए। तो आओ मेरे साथ। चाचा चौधरी और साबू। साबू, तुम्हारी चाची को रेत चाहिए थी, तुम जाकर वह ले आओ। मैं बाजार से अखबार खरीद कर पहुंचता हूँ। ठीक है चाचा जी। इधर धमाका सिंह,
चाचा चौधरी आ रहा है, मैं उसे बातों में लगाता हूँ, तुम पीछे से वार कर देना। चाचा जी कहाँ भागे जा रहे हो? आज हॉकर अखबार डालकर नहीं गया, बाजार से खरीदने जा रहा हूँ, अखबार पढ़े बिना चैन नहीं आता। मेरा अखबार पढ़ लीजिए यहाँ बैठकर। चाचा चौधरी अखबार लेकर एक पेड़ की ओर बढ़ जाते हैं। पेड़ की छाया में बैठकर पढ़ना सुरक्षित है। हैं? इधर हलाकू। हा हा हा, वह मेरी तरफ पीट करके बैठ गया है, बस एक हाथ और काम तमाम। हलाकू तलवार को उठाता है और वार कर देता है, लेकिन उससे पेड़ की डाली कटकर हलाकू के ही सर पर गिर पड़ती है। बचाओ! हाय! चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। चाचा चौधरी और रिंकू का रॉकेट। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर रिंकू आया। अरे रिंकू, ये क्या है? बैटरी से उड़ने वाला जेट। चाचा जी देखो, अभी यह उड़ान भरेगा। और फिर जेट ने एक जबरदस्त उड़ान भरी और हवा में घूमते हुए कलाबाजी खाता हुआ वापस रिंकू के हाथ में आ गया। यह आ गया। अल्टू और पलटू। अल्टू, रिंकू चाचा चौधरी के घर गया है, आओ ये चेहरे लगाकर उसे डराएं। ठीक है पलटू, बड़ा मजा आएगा। वो दोनों डरावने चेहरे लगाकर चाचा चौधरी के घर की ओर बढ़ते हैं। इधर घर के अंदर। अब जेट इस मेज से उड़ान भरेगा। चाचा चौधरी और चाची। भगवान, लो मेरी पगड़ी मेज पर रखाओ। चाची पगड़ी जेट के ऊपर रख देती है। ओह चाची, तुमने मेरे जेट पर पगड़ी रख दी। जेट पगड़ी को लिए हवा में उड़ जाता है। मेरा जेट। ओह मेरी पगड़ी खिड़की से बाहर उड़ी जा रही है। अरे पलटो देख, चाचा चौधरी की पगड़ी। अल्टो, मैंने पहले कभी ऐसे पगड़ी को उड़ते हुए नहीं देखा। वो हमारी ओर आ रही है। और पगड़ी उन दोनों से जा टकराई। चाचा चौधरी और रिंकू। मेरा जेट हाथ आ गया। मेरी पगड़ी। आए आए। चाचा चौधरी और लीला की लीला। एक दिन शहर के एक घर में। अरे लीला, ये गुलाब का पौधा तो तुमने बड़ा खूबसूरत लगाया है। यह प्लास्टिक का है देखो, और इसकी भीनी भीनी खुशबू, वह मैंने इस पर थोड़ा इत्र छिड़क दिया था। लीला सचमुच तुम तो बड़ी चालाक हो, मुझसे ज्यादा होशियार भला और है कोई? हाँ है, चाचा चौधरी। अरे औरत के आगे राजा दशरथ और जूलियस सीजर जैसे की नहीं चली, तो यह चाचा चौधरी किस खेत की मूली है? आओ मेरे साथ, अगर आज चाचा चौधरी की तौबा न करवा दी तो मेरा नाम लीला नहीं। रास्ते में। चाचा जी अच्छा हुआ आप रास्ते में ही मिल गए, मैंने आपके लिए रबड़ी बनाई है, आइए। रबड़ी? वो तो रॉकेट को भी पसंद है। अंदर आइए। घर के अंदर। अब निश्चिंत होकर दोनों भरपेट खाओ। कुछ देर बाद। अरे लीला कहाँ गई? लीला घर के बाहर थी। बाहर से दरवाजा बंद करके ये अलीगढ़ी ताला लगा देती हूँ, वह दरवाजा तोड़कर बाहर न आ जाए इसलिए दरवाजे के साथ यह पेटी लगा देती हूँ।
दो पेटियों से ज्यादा मजबूती आ जाएगी। चाचा चौधरी, सुना है तुम्हारा दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। मैंने बाहर से दरवाजा बंद करके ताला लगा दिया है। अब या तो तुम अपनी हार मान लो या 5 मिनट में बाहर आकर दिखाओ। देखा, अब उसकी सारी अक्ल कहाँ भाग गई? तभी अरे तुम हाँ, पीछे का दरवाजा खुला था। स्वादिष्ट रबड़ी के लिए धन्यवाद। चाचा चौधरी और पूंछ वाला दैत्य। एक दिन लोगों ने देखा कि एक विशाल प्राणी उनकी ओर बढ़ा आ रहा है। अरे ये कौन है? मेरे दादाजी कहा करते थे कि उनके समय में एक पूंछ वाला दैत्य आया करता था। लगता है आज वह फिर आ गया। बाप रे, भागो! तुम भाग नहीं सकते। पूंछ वाले दैत्य का एक ही हाथ पड़ा और आह, गांव वाले डर गए। उन्होंने दैत्य को खुश करने के लिए सोने के जेवर और रुपए चढ़ाए। इन्हें स्वीकार करो और हमें माफ करो। दैत्य सारी दौलत इकट्ठी करके जंगल की ओर चल दिया। एक गुफा में जाकर दैत्य ने अपना मुखौटा उतार दिया और वाह, आज खूब माल हाथ लगा। अब नीचे उतारा। उधर चाचा चौधरी के पास। चाचा जी, पूछ वाला एक दैत्य हम सबके रुपए गहने ले गया। पूछ वाला दैत्य? हाँ, जो कोई उसको चढ़ावा नहीं देता वह उसे मौत के घाट उतार देता है। अच्छा, अब वह फिर कब आएगा? कल सवेरे। ठीक है, मैं कल उस पूछ वाले दैत्य से निपटूंगा। दूसरे दिन, दीपू अपने पटाखों में से एक जोरदार बम मुझे देना। यह लो। चाचा चौधरी पैकेट में से एक बम निकाल लेते हैं। गांव में, लगता है वह पूछ वाला दैत्य लोगों को डरा रहा है। अच्छा है उसकी पीठ मेरी तरफ है। चाचा चौधरी पीछे से उसकी पूंछ के साथ बम बांध देते हैं। और ये रही दिया सलाई। पूंछ वाला दैत्य, याद रखो, अगर किसी रोज तुमने चढ़ावा ना दिया तो मैं अपनी तलवार से सारे गांव में खून की नदियां बहा दूंगा। तभी बम फटता है। हाय हाय, डाकू झंडू मंडू बेनकाब हो जाते हैं। अरे झंडू, हमारा भेद खुल गया, भाग! और चाचा चौधरी एक्शन में आ जाते हैं। भाग कर कहाँ जा रहे हो? चढ़ावा तो लेते जाओ मुझसे। हाय, मैं मरा। रहम चाचा जी, रहम। तुमने निर्दोष गांव वालों का कत्ल किया है और उनका रुपया पैसा लूटा है। चलो पुलिस स्टेशन। चाचा चौधरी और अद्भुत रावण। चाचा चौधरी और साबू। अरे साबू, सवेरे सवेरे कहाँ चल दिया? अरे चाचा जी, जरा रामलीला मैदान जा रहा हूँ, देख कर आऊँ दशहरे की कितनी तैयारियां हो रही है। अरे लंबू, जल्दी लौट कर आना, मैं नाश्ता देर से नहीं दूंगी। फोकट और चौकट। अरे फोकट, अगर कड़की का यही हाल रहा तो जल्दी ही हमारा नाम भी स्वर्गवासियों के लिस्ट में शामिल हो जाएगा। चौकट, मुझे कुछ सोच लेने दे। हाँ, एक आइडिया आया है। अगर हम रावण की तलवार चुरा ले तो क्या होगा? चौखट, तेरा दिमाग भी बिना दरवाजे की चौखट की तरह खाली है।
अरे रावण के तलवार बड़े दामों में बिकेगी। वाह ठोकर, तू भारत का प्लानिंग मिनिस्टर होता तो देश में भुखमरी बिल्कुल ना रहती। मैं ऊपर जाकर तलवार उतारता हूँ। फोकट लो पकड़ो। चौखट तलवार को नीचे फेंक देता है और फोकट तलवार उठाकर वहां से दौड़ लेता है। इससे पहले कि कोई देख ले, आओ रफू चक्कर हो जाएं। अरे ढाल भी तो लेते जाओ, बिना ढाल के तलवार किस काम की? हम सपना तो नहीं देख रहे? रावण का पुतला बोलता है। बाप रे भू। चाचा चौधरी, अरे साबू ये क्या? जब मैं यहाँ आया तो रावण का पड़ा सामान देखकर सोचा जरा इसे पहन कर देखूं। चाचा चौधरी और बैंड मास्टर का बाजा। एक बच्चा फुटबॉल खेल रहा था, तभी वो फुटबॉल में एक किक मारता है और फुटबॉल सीधी बैंड मास्टर के बाजे में घुस जाती है। ओह, मेरी फुटबॉल तुम्हारे बाजे में चली गई। तू अपने फुटबॉल को रो रहा है, मेरा बाजा बजना बंद हो गया है। कोई तरकीब लड़ाओ जिससे मेरी फुटबॉल मुझे मिल जाए और तुम्हारा बाजा भी बजना शुरू हो जाए। फुटबॉल बाजे के अंदर जाकर अटक गई है, चलो चाचा चौधरी के पास चले। चाचा चौधरी, चाचा जी बाजे के अंदर फुटबॉल चली गई है, निकल ही नहीं रही। साबू जरा एक फूंक बाजे में मार देना। साबू बाजा ले लेता है। बाजा बजाना तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। साबू बाजे को बजाता है और बॉल उसमें से निकलकर हवा में उछल जाती है। मेरी फुटबॉल। थोड़ी दूर। यार ये तारकोल का ड्रम लावारिस पड़ा है, क्यों ना इसे उठा ले जाएं? काफी पैसों में बिक जाएगा। तभी फुटबॉल उस तारकोल के ड्रम में आ गिरती है और उन दोनों का मुंह काला हो जाता है। हैं? मेरी फुटबॉल इधर आई थी। चाचा चौधरी और अच्छे संतरे सड़े संतरे। तरबूजी लाल फ्रूट हाउस। अमरोदी लाल, पता नहीं लोगों को फ्रूट खाने से क्या एलर्जी हो गई है, दिन भर में एक भी ग्राहक नहीं आया। तरबूजी लाल जी, मेरा कहना मानो, कल आप मंडी के सारे संतरे खरीद लो। बेवकूफ, दो टोकरे संतरे तो बिकते नहीं, सारी मंडी के संतरे खरीद कर दीवाला निकालना है क्या? अगर हम मंडी के सारे संतरे खरीद लेंगे तो शहर के किसी दूसरे दुकानदार के पास संतरे नहीं मिलेंगे। हमें ग्राहक मुंह मांगे दाम देंगे और चंद दिनों में हम लखपति हो जाएंगे। वाह, मान गया तुम्हें। दूसरे दिन तरबूजी लाल संतरा हाउस। एक संतरा चाहिए। निकालो 5 रुपए। 5 रुपए? कल तक तो 40 पैसे में बेच रहे थे। वह दिन लद गए। मैंने बीमार बच्चे को संतरे का जूस देना है। अगर मैं इस तरह रहम खाने लगा तो लखपति कैसे बनूंगा? कमाल है। तरबूजी लाल, 2 संतरे मुझे देना। 4 मुझे। 6 मुझे। वाह अमरोदी लाल, तो सचमुच जीनियस है, सारे संतरे बिक गए, कल फिर ऐसा ही करेंगे। शहर के लोग चाचा चौधरी के पास गए। तरबूजी लाल एक एक संतरा 5-5 रुपए में बेच रहा है।
गरीब मरीज इतना महंगा संतरा कैसे खाएगा? ये लूट है। ठीक है, कल से आपको संतरा 15-15 पैसों में मिलेगा। दूसरे दिन अमरोदी लाल, हमने आज भी मंडी के सारे संतरे खरीद लिए हैं, पर अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। अरे, शहर भर के संतरे तो हमने खरीद रखे हैं, फिर तुम ये संतरे कहाँ से ला रही हो? चाचा चौधरी से। कितने के? 15-15 पैसे में। मर गए। आओ देखें वह इतने सस्ते संतरे कहाँ से लाया। संतरे 15 पैसे प्रति। चाचा जी, 1 दर्जन संतरे मुझे देना। 2 दर्जन मुझे। 3 दर्जन मुझे। 4 मुझे। 6 मुझे। चौधरी, ये संतरे तुम कहाँ से लाए? सीधे नागपुर से। पर 15 पैसे संतरे में तो वहाँ से लाने में ट्रक का भाड़ा भी नहीं निकलता है। मेरा अपना ट्रक है। कौन सा ट्रक? वह रहा। आए। 3 दिन बाद संतरे तो सड़ने लग गए। अरे भाई, इन्हें मुफ्त ही उठा ले जाओ। इस कूड़े को उठाने के 10 रुपए लगेंगे। आए।